एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट दोस्तों, आई प्रमोट फूड फर्स्ट एंड देन कम्स योर सप्लीमेंट्स एंड योर मेडिकेशंस। आजकल इवन यंग पीपल इन देयर 20s, इन देयर 30s आर अनफॉर्चुनेटली सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड जो कि अराउंड 35 ईयर्स का होगा, ही इज़ एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन्स। और जब मैंने उसकी दवाइयाँ देखी तो मैंने जो चीज़ नोटिस की दोस्तों, वो थी कि मेरे दोस्त को उस दवाइयों से जो न्यूट्रिएंट्स या जो मिलने वाला था, वो उसको एक्चुअली फूड सोर्स के थ्रू भी मिल सकता था। तो ओनली डिफरेंस वॉज कि उसका जो जॉइंट पेन था वो बहुत ही लास्ट स्टेज या लेटेस्ट स्टेज पर पहुँच गया था, जिसके वजह से उसको हाई डोसेस की ज़रूरत थी। और ऑफकोर्स जो मेडिसिन रहते हैं वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देते हैं और वो भी मीडियम टू हाई डोजेस में रहते हैं, जो कि फूड के थ्रू मिलना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। आई नो देर आर मैनी यंग पीपल आउट देयर हु आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन और जो डिपेंड है मेडिसिन के ऊपर। द प्रॉब्लम इज, इतने यंग एज पे क्या आपको मेडिसिन पे डिपेंड रहना है? डेफिनेटली नॉट, राइट? क्योंकि मेडिसिन जो है वो एक्चुअली एक है ड्रग और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो दोस्तों, ये है वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है मेरे दोस्त को। ऑफकोर्स ये जो मेडिसिन है टेंडो शॉट, ये एक्चुअली है उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं आर्थराइटिस से या जिनको जॉइंट में पेन हो रहा है, उनके लिए मेडिसिन है। और इसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो एक्चुअली आप नोटिस करोगे कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली आपको मिल सकते हैं फूड के थ्रू। ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले कहा कि ये इंग्रेडिएंट्स सारे हाई डोसेस में इन कैप्सूल से मिलते हैं आपको, जो कि फूड के थ्रू मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो का पर्पस है दोस्तों आपके साथ शेयर करना कि अगर आपको ये मेडिसिन अवॉइड करना है एट अर्ली एज, तो आप क्या कर सकते हो या आप क्या फूड खा सकते हो। तो दोस्तों, फर्स्ट चीज़ जो आपको ये मेडिसिन दे रही है वो है करक्यूमिन। ना, करक्यूमिन है क्या? ये बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक्चुअली आप कंज्यूम कर रहे हो डेली बेसिस पे, बट उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो शायद ठीक से नहीं हो रहा है। और मैंने अपने प्रीवियस दो वीडियोस में इसके बारे में आपको बताया है कि आप कैसे वो चीज़ कंज्यूम कर सकते हो और उसका अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज कर सकते हो। और वो चीज़ है दोस्तों टर्मरिक। यस, आवर वेरी ओन इंडियन स्पाइस। टर्मरिक के अंदर पाया जाता है करक्यूमिन। करक्यूमिन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टर्मरिक, जिसमें है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी ऑक्सीडेंट, जो आपको देगा रिलीफ आपके जॉइंट पेन से। तो मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस दोस्तों शेयर किए हैं ऑन करक्यूमिन एंड टर्मरिक, और प्लस मैंने बताया है उस वीडियो में कि आप अपना टर्मरिक या करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि अब्जॉर्प्शन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आप वो न्यूट्रिएंट्स तो लोगे, लेकिन अगर वो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड स्ट्रीम तक नहीं गया, आपके सेल्स तक नहीं पहुंचा, तो वो चीज़ खाने का आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अब्जॉर्प्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप ज़रूर देखें वो वीडियो, प्लस आई बटन पर इधर पॉपअप भी हो रहा होगा। रिमेंबर फ्रेंड्स, करक्यूमिन इज़ फैट सॉल्युबल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मील्स में, आपके स्नैक में जो आप दिन भर कंज्यूम कर रहे हो, उसमें कुछ हेल्दी, गुड हेल्दी फैट्स ज़रूर हो। गुड हेल्दी फैट जो आपको आलमंड्स या कोई भी नट्स से मिलेंगे, पम्पकिन सीड्स, वॉलनट्स, घी में होते हैं गुड फैट्स, ऑलिव ऑयल में होते हैं गुड फैट्स, तो ऐसे गुड हेल्दी फैट्स आपको ज़रूर कंज्यूम करने हैं। सो द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज़ दोस्तों कि आपको करक्यूमिन मिल सकता है आपके फूड के थ्रू, टर्मरिक के थ्रू। तो अगर आपको बचना है जॉइंट पेन से व्हेन यू ग्रो अ बिट ओल्डर, तो ज़रूर कंज्यूम कीजिए करक्यूमिन, दैट मीन्स टर्मरिक। आपके कन्वीनियंस के लिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में वापस से आपको बताऊंगा कि आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो टर्मरिक या करक्यूमिन आपके डाइट में रोज। तो दो ड्रिंक्स मैं शेयर करूंगा, एक है टी, टर्मरिक टी, और एक है टर्मरिक मिल्क, जो आप आपके घर पे बना सकते हो खुद। इट डजंट टेक मच टाइम, इट जस्ट टेक 10 to 15 minutes। तो आप ज़रूर बनाइए ये दो ड्रिंक। अगर आप गर्म चीज़ पीने के शौकीन हो दोस्तों, तो आप पी सकते हो टर्मरिक टी, और अगर आपको कुछ ठंडा पीना है तो आप पी सकते हो टर्मरिक मिल्क। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। रेसिपी शुरू करने के पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वो नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए, लाइक बटन भी प्रेस करना ना भूले। अगर कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।
दूसरी जो चीज़ है दोस्तों इसके अंदर वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्दी बोन्स। तो ऑन डेली बेसिस जरूर कंज्यूम कीजिए ये फूड्स जो आपको देंगे मैग्नीशियम। तीसरी चीज़ है दोस्तों जो ये मेडिसिन हमें दे रही है वो है कोलेजन पेप्टाइड। अब कोलेजन पेप्टाइड एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, फिर हमें इसको क्यों कंज्यूम करना है, राइट? प्रॉब्लम इज जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं हमारी बॉडी जो नेचुरली ये कोलेजन पेप्टाइड प्रोड्यूस करती है वो कम होते जाता है, इसलिए हमें ऐसे फूड सोर्सेस को अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है जो हमें ये कोलेजन पेप्टाइड दे या कोलेजन पेप्टाइड हमारी बॉडी को बनाने में मदद करे। और अगर हम ऐसे फूड सोर्सेस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपने डाइट में जिससे हमें मिलता है कोलेजन पेप्टाइड या जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को कोलेजन पेप्टाइड बनाने में, तो हमें एट अ लेटर स्टेज डिपेंड रहना पड़ेगा ऑन मेडिसिन। कोलेजन है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इंक्लूडिंग अवर बोन्स, अवर लिगामेंट्स, अवर टेंडन्स। सो ऑफकोर्स कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बोन हेल्थ एंड अवर बोन स्ट्रेंथ। कोलेजन एक्चुअली हेल्प करता है आपके स्किन को भी एक हेल्दी कंडीशन में रखने में। तो चलिए देखते हैं ऐसे फूड्स जिसके थ्रू आपको मिलेगा कोलेजन या वो फूड्स हेल्प करेंगे हमारी बॉडी को कोलेजन प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इस मेडिसिन से मिल रही है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी दोस्तों एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें फ्री रेडिकल से बचाता है और हमारी बॉडी में जो नेचुरली कोलेजन प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है विटामिन सी, एंड दैट इज रीजन व्हाई इस मेडिसिन में विटामिन सी है। विटामिन सी भी हमें मिल सकता है ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम अवर फूड सोर्सेज। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इस मेडिसिन से मिल रही है वो है विटामिन D3। विटामिन D3 है एक फैट सोल्युबल विटामिन और वो हेल्प करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन में। कैल्शियम और फॉस्फोरस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है बोन हेल्थ के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिकमेंडेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ना विटामिन डी हमें मिलते हैं दो फॉर्म से, विटामिन D2 और विटामिन D3। ना विटामिन D2 जो है उसके इतने बेनिफिट्स नहीं हैं इतने हैं विटामिन D3 के, और ये साइंटिफिक एविडेंसेस ने प्रूव भी किए हैं। ना विटामिन D2 और विटामिन D3 दोनों हमें मिल सकते हैं फूड सोर्सेज के थ्रू, लेकिन जो विटामिन D3 है वो हमें एक्चुअली मिलता है एनिमल सोर्सेज के थ्रू, यानी एग योक से या फिश से या चिकन से। और विटामिन D2 जो लेस बेनिफिशियल है वो हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि हम एक्सपोज करें ऑन अ डेली बेसिस अराउंड 10 to 15 minutes अपने स्किन को सन रेज से। ट्रेडिशनली हम सन एक्सपोजर लेते हैं अराउंड 8 या 7 AM को इन द मॉर्निंग, बट एक्चुअली अगर आप लेटर यानी अराउंड 10 to 11 का सन एक्सपोजर लोगे तो उसके काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। और अगर आपको जानना है कि क्यों लेना चाहिए 10 or 11 AM के बिटवीन का सनशाइन रादर दैन 7 AM or 8 AM के बिटवीन का सनशाइन, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर कवर करूँगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप ये टर्मरिक टी, टर्मरिक मिल्क ज़रूर पीजिए डेली बेसिस पे जॉइंट पेन से बचने के लिए। और टर्मरिक में है कर्क्यूमिन जिसमें है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो आपकी वो जलन को उस पेन को कम करेगा और आपको उस कंडीशन से बाहर निकलने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों और ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वो नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूले, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर कोई कमेंट या फीडबैक है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में उसे ऐड करना ना भूले।